हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी क्लास। हम लोग गाला सैंपल पेपर 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। आज हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन। सेक्शन सी सॉल्यूशन में जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस के टाइप्स क्या हैं। तो पहला इक्वेशन दिया गया है H2 plus Cl2 gives 2HCl। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा टाइप है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके मिलते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड रिएक्शन है PbCuCl2 gives PbCl2 plus Cu। यहां पे आप देखो कि CuCl2 को क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है किसके द्वारा, Pb के द्वारा। तो यहां पे रिएक्शन का नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट CH4 जो कि आपको पता है मीथेन होती है प्लस ऑक्सीजन। जब भी हम मीथेन या कार्बन कंपाउंड को ठीक है बर्न करते हैं, जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि जो ओर है, ओर से मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है। तो जब भी हम किसी भी मेटल को ओर से या अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल तक आने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज करना पड़ता है और वही प्रोसेसेस को हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो सब यहां पे लिखा गया है, हम इस टेबल की मदद से समझते हैं। हमसे पूछा गया है किस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, जब भी ओर से हमारा मेटल निकलता है तो हम उस मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेटल हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। हम यहां पे मीडियम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले मीडियम रिएक्टिविटी में हमें जो मेटल होता है वो 2 तरीके से मिलता है, एक कार्बोनेट्स के फॉर्म में, एक सल्फाइड के फॉर्म में। अभी कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी मेटल को, इम्प्योर मेटल को ओर से निकालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कार्बोनेट्स या कार्बोनेट गैसेस या कार्बोनेट इम्प्योरिटीज उसके साथ मिक्स होती हैं। ऐसी या सल्फाइड या सल्फर इम्प्योरिटीज क्या होती है, उस मेटल के साथ मिक्स होती है, इसलिए हम उसको कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स कहते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से प्योर नहीं करने के लिए, क्या करने के लिए, किसी भी तरीके से इनको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्साइड में एक बार अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम रिडक्शन प्रोसेस से इनको डायरेक्टली प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी प्रोसेस होगा। इसलिए हमें जब भी कोई इम्प्योर मेटल मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। यहां पे भी यही हो रहा है कि जैसे कि हमें कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर में हमें मेटल मिले तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रोस्टिंग किया। तो व्हाट इज रोस्टिंग क्लास, रोस्टिंग इज नथिंग बट इट इज अ हीटिंग ऑफ मेटल। हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब भी हम एयर की प्रेजेंस में किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन लिमिटेड एयर। जब भी हम लिमिटेड एयर में हीट करते हैं तो उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस करने से ही हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिलते हैं, मतलब हमें ऑक्साइड मिल जाता है। और ऑक्साइड मिलने से ही हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ठीक है, कि अगर कोई भी चीज हो उसका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इसको रिड्यूस किया और हमें क्या मिला, हमें आपका रिफाइनिंग मेटल, हमें प्योर मेटल मिला। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम लो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे हमें लो रिएक्टिव मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। इन सल्फाइड्स को क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे। इन सल्फाइड्स को हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से इनका रिडक्शन हम करेंगे,
इनका रिडक्शन करेंगे तो ये लास्ट में हमें क्या मिलेंगे, हमें प्योर प्योर मेटल मिलेंगे। रिडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। ऐसी हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम सल्फाइड्स, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग मेथड यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हमें यूज करना पड़ता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स की मदद से हम कहते हैं इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि हमारे पास तीन मेटल्स हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास तीन मेटल्स हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका एक्स है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो वाई है वो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो आपका जेड है वो किसके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए कि अब इनसे हमसे पूछा गया कि एक्स वाई जेड ये जो मेटल्स हैं ये कौन से मेटल्स हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी समझनी पड़ेगी, और अगर आपको रिएक्टिविटी नहीं आती है तो आपको आज रिएक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि इसका तरीका मैं बहुत सिंपल बताना जा रहा हूं। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अगर आप इस तरीके से याद रखते हो तो बीच में बस हाइड्रोजन आएगा, यहां पे आएगा कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, कैटरीना मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जेन मतलब जिंक, फरारी आयरन, पीबी लेड, क्यों कॉपर, मिली मर्कुरी, सिल्वर एजी, और ये आपका गोल्ड। ठीक है, अब क्या होता है क्लास कि जब जब हम क्या करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, तो इसके जो स्टार्टिंग के मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होते हैं, ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये आपका कैचेस फायर, मतलब इनके अंदर आग लग जाती है जब भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हॉट के साथ रिएक्ट करता है बट इसमें फायर नहीं लगती है। ठीक है, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाले कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। अब हमारे लिए इजी हो गया ना, इजी कैसे हो गया, देखो ये ऊपर वाले जो तीन है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम, तो कोई भी लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक है जो कहते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो है हमारा मैग्नीशियम, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे वाई को मैग्नीशियम लिख देंगे। हमारे कहते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनमें से कोई भी लिख देंगे, तो हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे आयरन लिखा। ठीक है, अब क्या है, इनके साथ इनकी रिएक्शंस लिख दी कि वाटर के साथ ये लोग रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से इनका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो हमने ये सारा लिख दिया। अब हमें क्या करना था, सीक्वेंस बनाना था। सीक्वेंस मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन उससे ज्यादा कम रिएक्टिव है, और कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम है, उससे कम आपका मैग्नीशियम है, और उससे कम आपका लास्ट में आपका आयरन है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सो आपको ये ट्रिक या पसंद आई हो, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली उसको सिल्वर ऑडी। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स और इन प्लांट्स। तो क्लास आपको पता होगा कि हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं, क्या प्लांट दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है वो उनके बीच में क्या है, रीजन है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम ह्यूमंस है तो हमारे अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशंस होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा हार्मोन।
दो तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, जबकि जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, एक ही तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है जो कि आपका हार्मोन होता है। हमारा नर्वस सिस्टम होने की वजह से हम लोग क्या है, बहुत क्विक, बहुत फास्ट है, हमारे जो रिएक्शन टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, साइमल्टेनियसली है, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्विक रिएक्ट करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या है, थोड़े से ज्यादा फास्ट है। जबकि प्लांट के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हार्मोन्स होते हैं वही एक्टिवेट रहते हैं, इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में क्या है, आपका डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो हमारी फीमेल मेंबर होती है, राइट, जो ह्यूमंस में फीमेल मेंबर होती है, उनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग एक टेबल बनाता हूं मैं, उसको अच्छे से याद रखिए। देखिए क्या होता है कि जब भी मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से आपका बनता है जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या बनता है, आपका बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जब बहुत बार डिवाइड होता है, जाइगोट जब बहुत बार डिवाइड होता है तो बनता है आपका एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो ही क्या होता है, आगे चल के आपका फीटस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो स्पर्म है वो क्या होता है, फीमेल में एंटर करता है। ठीक है, उसकी वजाइना से एंटर करता है, और फीमेल एंटर करने के बाद, ठीक है, ये एग भी क्या होता है, इधर जाता है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके यहां पे मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, एग और स्पर्म दोनों की दोनों क्या मिलते हैं, आपके यहां पे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। अब यहां पे जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो ये क्या होता है, यहीं पे आपका एम्ब्रियो, यहीं पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और यहीं पे आपका क्या होता है, आपका जायगोट बनता है, यहीं पे आपका जायगोट बनता है। जैसे यहां पे जायगोट बनता है, ये जायगोट क्या होता है, जायगोट यहां से जाके यूट्रस में इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जायगोट यहीं पे शिफ्ट होता है, और यहीं पे क्या होता है, आपका धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद वही एम्ब्रियो आपका फीटस बनता है, और फीटस के बाद आपका धीरे धीरे जो बेबी है यहीं पे आपका बर्थ लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक चाइल्ड बर्थ फीमेल की बॉडी में किस तरीके से होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जब भी एक फीमेल मेंबर होती है, हमें पता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं जब वो बर्थ लेती है, जैसी वो ग्रो करना स्टार्ट करती है तो उसके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब वो एग्स मैच्योर होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता उनके साथ, तो वो एग क्या होते हैं। तो जब भी फीमेल मेंबर का जो भी एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब कैसे बाहर निकलता है, तो वो बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में वो उनकी वजाइना से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी को हम मेंसुरल या मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं। ये हर 30 डेज में या हर 28 डेज में फीमेल मेंबर्स के साथ एक बार होता है, और ये जब स्टार्ट होता है तो इट इज बिटवीन 3 to 4 डेज रहता ही रहता है। ठीक है, 3 to 4 डेज रहता है, और इस टाइम पे उनको ब्लड बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम इसको क्या ले लेंगे, एच ओ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यू क्या हुआ हमारा, यू हमारा कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर हुआ, फोकल लेंथ क्या है। अब बात ये है कि यू हमारा क्या हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जो यू होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम माइनस में लेते हैं, तो यू कितना होगा, यू हमारा होगा -25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें फोकल लेंथ दिया गया है, तो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है हमारा
फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब देखना है कि जो फोकल लेंथ है वो किसका फोकल लेंथ है, मतलब मिरर का है, लेंस का है। तो सबसे पहले देखा तो जो फोकल लेंथ है वो है आपका मिरर का, ठीक है। और कौन सी मिरर का, कॉनकेव मिरर का। तो आपको पता है जो कॉनकेव मिरर होता है, जो उसकी इमेज होती है, राइट, उसकी इमेज होती है सारी की सारी यहीं पे बनती है, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो इसका भी जो फोकल लेंथ होगा वो लेफ्ट साइड होगा। अब हमसे वी पूछा गया है, ठीक है। तो वी का निकालने का फॉर्मूला, पहले इसको फॉर्मूला देखते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। 1/f कितना हुआ, 1/-15 = 1/v + 1/-25, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1-15 1/v - 1/25, ठीक है। 1/-15 + 1/25 = 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 5, 3 और 5, 15, 5 तो 75 आएगा, ठीक है। 75 तो कहते हैं 15 के लिए 75 आता है आपका 5 था, ये 3 था, इजिकल्स टू 1/v, ठीक है। ठीक है, अपने पास क्या आया, अपने पास आया -5 + 3/75 = 1/v। तो आंसर आया आपका -2/75, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू -37.5 = v, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे v की वैल्यू हमारी -37.5 आई है। अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का पता है, -v/u = s-h/ho। तो अपने पास -v - 37.5, ठीक है। और एक और माइनस लगाते हैं क्योंकि ये वाला लगा हुआ है ना आगे, फॉर्मूला वाला माइनस इनटू नहीं अपॉन यू कितना है अपने पास -25। और अपने पास एच डैश नहीं पता, बट अपने को ये पता है, ठीक है, हाइट ऑफ द ये पता है। तो ये हुआ हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका -6 सेंटीमीटर, ठीक है। -6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, शार्प इमेज मिलेगी। अब देखो माइनस में है तो माइनस में क्या होता है, हमेशा इमेज क्या होती है आपकी लेफ्ट साइड रहेगी, ठीक है। माइनस में है तो हमेशा जो इमेज है वो आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड इधर बनेगी। तो इमेज लेफ्ट साइड बनी तो मतलब कैसी है, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। और कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट कितना है, 4 है, और इमेज कितनी बन रही है, 6 है। तो कैसी बनेगी, आपकी मैग्नीफाइंड बनेगी, मैग्नीफाइंड मतलब कि थोड़ी सी लार्ज मिलेगी। तो हमें आंसर मिल गया कि हमारी जो इमेज है रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइंड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है क्लास कि किस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझाता है कि किस तरीके से अगर हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और कैसी डायरेक्शन होगी, हमें कैसा साइन लेना पड़ेगा, इमेज कहाँ पे होगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके साइन कैसे होगा, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें कार्टेशियन प्लेन से पता चलता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि सबसे पहले है कि ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। जैसे कि आपका एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है। अब इस मिरर में क्या होता है कि सारी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से लेते हैं। जब हम डिस्टेंस को लेफ्ट साइड से रखते लेते हैं और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। अब जब भी हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो आपको पता है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन में यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अगर मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, तभी इसका साइन क्या होता है, आपका माइनस होता है। अगर ऑब्जेक्ट को अगर हमने राइट साइड रखा, अगर ऑब्जेक्ट हमने राइट साइड रखा तो इसकी जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, अगर जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो हमें हाइट ऑफ द डिस्टेंस या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, या हाइट ऑफ द इमेज या ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर अगर जो क्या कहते हैं, जो हाइट
या जो ऑब्जेक्ट वो क्या है नीचे की तरफ, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, तो जो हमारा एच ओ है, एच ओ है वो नेगेटिव हो जाएगा और हमारा एच डो एच डैश भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं, यही हमारा पूरा पूरा कार्टेशियन प्लेन में बताया गया है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को किस कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, कब नेगेटिव साइन होगा, कब पॉजिटिव साइन होगा और डिस्टेंस हमें किस साइड से आपकी मेजर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टंगस्टन है, राइट, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन हम लोग जो बल्ब में यूज करते हैं, फिलामेंट की जगह फिलामेंट के अंदर जो यूज करते हैं वो हमारा टंगस्टन मेटल होता है। तो टंगस्टन मेटल हमसे पूछा गया है कि क्यों भाई साहब हम लोग टंगस्टन को एज अ फिलामेंट या बल्ब की तरह यूज करते हैं। तो देखो टंगस्टन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका एक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है और उसकी क्या है हाई रेजिस्टिविटी है। हाई रेजिस्टिविटी की मतलब, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब कि वो रेजिस्टेंस, वो मटेरियल बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से क्या होगा कि वो जल्दी गर्म होगा और वो उतना ही जल्दी क्या करेगा आपका ग्लो करेगा। तो इसका आंसर अगर मैं बोलूं तो दो होगा, एक तो होगा दो लाइन में होगा, एक तो हाई हाई मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और आपका हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल इट्स थर्मल कंपोनेंट्स ग्लो, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जब उसके अंदर से हम लोग करंट पास करते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली में जब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन होती है या हीटर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो पर्टिकुलर वो ग्लो नहीं करता या उसमें किसी तरीके का कोई, ठीक है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जो लास्ट होता है, लास्ट में जो हीटर वाली वायर्स होती हैं उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो ग्लो करता है। ऐसा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जो वायर्स हैं, जो कॉर्ड है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रही है आपका हीटर तक, वो सारी की सारी क्या है, सेम रीजन है कि उनका क्या है, जो वायर है, ठीक है, उनका वायर है, वायर का जो है हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट है और आपका हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है। इन दो कारणों की वजह से, इन दो कारण की वजह से क्या होता है कि जो जो कॉर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का, वो कभी भी आपका, ठीक है, ग्लो नहीं करता या उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जबकि आपका जो हीटर होता है जो एंड एंड पॉइंट पे होता है वो सारा का सारा आपका क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे हमारा सेक्शन सी पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू।